हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपू और आप देख रहे हैं दीपू टेक। तो दोस्तों, मेरे साथ एक घटना हुई है जियो के रिलेटेड, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो आगे चल के आप लोगों के साथ ना हो, तो आप लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि मेरे पास एक जियो का सिम था और मैंने उसे 6-7 महीने तक यूज़ किया, उसमें रिचार्ज करवाया, लेकिन जैसे उसका नेटवर्क डाउन होने लगा तो मैं कंप्लेन कर रहा था। तो वहाँ से कस्टमर केयर वाले बोलते थे कि नहीं, आपका जो 120 दिन में ठीक हो जाएगा या इतने दिन में ठीक हो जाएगा, जैसा उनको बोलना होता है वो बोलते थे। तो हुआ क्या कि तो फिर मैंने अपने जो है दूसरे सिम पर रिचार्ज करवा लिया। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक 4G फ़ोन में अगर आप दूसरे सिम पर रिचार्ज करवा लेते हो, अगर उसमें नेट ऑन करते हो, तो जियो का सिम जो है वो बंद हो जाता है। तो वो बंद हो गया, तो लगभग 2-3 महीने तक ऐसा ही हुआ। वो सिम मेरा जो है लगा तो हुआ था, पर लेकिन वो बंद था। तो तो जब दोस्तों, मेरे दोस्तों मैंने एक जो घर वाले फ़ोन है उसमें एक पॉपअप आया कि मेरा जो नंबर से जियो चैट ऑन किया गया है, तो और हाय का जो वेलकम मैसेज होता है वैसा था। तो मैंने देखा, मैंने तो जियो चैट ऑन नहीं किया हुआ है, तो मैंने जाके देखा कि हाँ, ये तो मेरे नंबर से ऑन किया गया है। तो मैंने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया, तो वो नंबर जो है किसी और को लग गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो जियो का कॉल ड्रॉप की समस्या होता है तो वो होगा। मैंने फिर से कट किया, तो मैंने फिर से दोबारा कॉल किया, तो फिर से वो वही हुआ। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि आपने नया सिम लिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने नया सिम लिया हुआ है। तो मैंने बोला ये तो मेरे नाम पर सिम था, तो वो बोले मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो फिर जाके मैंने क्या किया कि फिर मैंने अपने माई जियो ऐप को खोला, वहाँ पे जाके मैंने अपने अकाउंट को देखा, तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो लिंक किया हुआ अकाउंट था वहाँ से वो हट चुका है। तो मैं एकदम क्या बोलूँ, मैं एकदम चौंक गया कि ऐसा कैसे हुआ, वो मेरा इतना इंपॉर्टेंट नंबर था, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो जब मैं उसे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी सर्वर में प्रॉब्लम है। तो आप 15 मिनट तो के बाद दोस्तों, कॉल रात हो करेंगे। रही थी, तो मैंने 15 मिनट के बाद कॉल नहीं किया। तो मैंने आज सुबह जब कॉल किया तो उनसे बात हुई है, तो आप सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर आप बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत। ठीक है, चलिए सुनते ठीक हैं। है, कॉल पे आने के लिए माफी, धन्यवाद सर। हाँ बोलिए। सर, जैसे कि आप जानना चाहते सर, ये कहाँ, मतलब जैसे कि ये तो आप अगर देखिए सर, अगर आप सर्टेन टाइम के बाद, मतलब एक नंबर रिसाइकल हो नेटवर्क जाता है सर, अगर आप 3 महीने या 4 महीना ऐसे ही रख देते हो तो नंबर रिसाइकल हो जाता है सर, यही नियम है सर। ये नियम कहाँ पे है? मैंने तो ये पहला सिम ले ले रखा है, मेरे पास अभी और भी सारे सिम है, वो भी तो मैंने कुछ दिनों के लिए बंद रखा, तो वो क्यों नहीं हो गया? माफी चाहते सर, पर फिलहाल जितना मतलब इन्फॉर्मेशन तो यही है सर। आप अपने सीनियर से हमको बात करवाइए। नहीं, बन रही है सर। सीनियर लाइन पे बात कर लीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार, जियो के सुपरवाइजर SMA शाहनवाज बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर, मेरा एक नंबर था जियो का, जी। तो सर मतलब वो उसका जो नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो इसी कारण मैंने दूसरे से नंबर पर रिचार्ज करवाया और मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अभी आप जानते हो कि एक फ़ोन में दो 4G सिम नहीं चल सकते हैं, तो इसीलिए तो वो कुछ दिनों के लिए बंद रखा गया था। तो सर, अभी जब मैंने उसको ऑन किया, मैंने नंबर पे कॉल लगाया, तो वो नंबर किसी और को ट्रांसफर हो चुका है, जबकि सर वो नंबर मेरे बैंक में था, सारे जगह पे था। तो सर, ऐसा क्यों हुआ? मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। सर, ये नंबर आपका है हाँ 6296439243। जी सर। जी अच्छा, ये सर आपका क्या होता है कि सर, अगर आप यूजेज नहीं करते कोई नंबर पे, ये नंबर सर आपका बंद हो जाता है, उसके बाद ये रोल आउट कर दिया जाता है फिर से सर, ठीक है नंबर सर। जो है। हाँ सर, आप ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कहीं पे जी। मेंशन भी नहीं है। और पहले, इससे पहले मैंने बहुत सारे सिम रखे हुए हैं, मेरे पास और भी आइडिया एयरटेल के सिम है, उनमें तो कभी ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन हम लोग दूसरे कंपनी के बारे में तो हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आप ठीक अपने अपने नंबर पे बोलिए। ठीक है, तो सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको बंद कर दिया, तो सर जब हम नंबर है। कोई लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक हम लोग अल्टरनेटिव नंबर भी देते हैं आप लोगों को, तो आपने उस पर हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं बताया कि वो नंबर आपका बंद होने वाला, आप उसे ऑन करें?
मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को, लेकिन सर ऐसी सुविधा जो है सर हमारे पास अभी नहीं है सर, ऐसी कोई सुविधा की जानकारी हमारे पास नहीं है सर। लेकिन अगर आप अपना जो प्लान है सर, कोई भी एग्जिस्टिंग प्लान के साथ रिचार्ज नहीं करते हैं आपके नंबर पे, ठीक है सर, अगर ये वैलिड है प्राइम नॉन प्राइम दोनों कस्टमर के लिए वैलिड है, तो आपका क्या होता है सर्विस डिग्रेड होता है और धीरे धीरे क्या होता है डिसकंटिन्यू हो जाता है, जैसे आपका वैलिडिटी खत्म होता है एग्जिस्टिंग प्लान का, ठीक है सर। उसके बाद ये नंबर बंद हो जाने का उसको फिर से रोल आउट किया जाता है, तो इस वजह से हो सकता है सर आपके इसमें दिया गया हो तो सर ये दूसरे के कहीं पे नाम तो पे एक्टिव हो मेंशन गया। होना चाहिए, मेंशन तो होना चाहिए। आज के डेट में वो जो नंबर मेरा जो इतना इम्पोर्टेंट था वो बैंक में है और सारी जगहों पे है, तो मैं उसे कहाँ से बुलाऊंगा ये आप मुझे बताइए। मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को सर, लेकिन इसके लिए सर आप एक बार स्टोर में संपर्क करके देख सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर यूसेज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे डिग्रेड होता है सर्विसेज, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ये तो मेंशन तो होना चाहिए, और मेंशन होने के साथ साथ आपको तो जो हम लोग अल्टरनेटिव नंबर देते हैं उस पर तो आपको कॉल करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ, कि एक वार्निंग कॉल आना चाहिए कि आपका नंबर बंद है, इसको बंद कर दिया जाएगा। मैं ऐसा तो समझ कुछ पा हुआ रहा नहीं, था, डायरेक्ट बंद कर दिया गया तो अपने मनमर्जी से। मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को, लेकिन हम लोग इसकी जानकारी, हम लोग कैसे बंद होता है क्या होता है उसकी जानकारी नहीं रहती है सर हमारे पास, तो सर ठीक है नहीं सर। रहते तो आप लोग तो कस्टमर के में बैठे हुए हैं, तो आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा ये बताइए। तो मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन इसके लिए सर आपको एक बार स्टोर में हमारा संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है सर। सर स्टोर में तो मैं गया, तो स्टोर में तो वो दूसरे नंबर पर ट्रांसफर हो चुका है, वो कभी रिटर्न आएगा नहीं। जी, वो रिटर्न नहीं होगा सर, क्योंकि एक बार आपका ये एक बार बंद हो जाने के बाद वो रिटर्न नहीं होता है सर, ठीक हाँ तो है। ये बताइए तो मैं इसके लिए क्या करूँ, आप लोगों ने जो ऐसा जो किया गया है ये तो एकदम सही नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन अगर जियो में आप अगर रिचार्ज नहीं कराते कोई भी एग्जिस्टिंग प्लान के साथ, आपका जैसे ही प्लान का वैलिडिटी खत्म हो जाता है सर, आपकी सर हम सर्विस लोगों में ने जो डिग्रेड कंप्लेन कर होता रखा है है, हम लोग डिसकंटिन्यू हो एक साल से जाता है। कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क सही कीजिए, नेटवर्क सही कीजिए, तो आप लोग बोलते हो कि हाँ 120 दिन 140 दिन ऐसे बोलते हो, उसके बाद सही भी नहीं होता है, तो कितने दिन हम लोग वो सिम को चलाएंगे। जब हम अगर मैं उसको समझ पा रहा हूँ अगर सर, हम रिचार्ज करने का पैसा दे रहे हैं 300 400 रुपये, अगर वो चलेगा नहीं तो हम लोग क्यों चलाएंगे उसको। मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को, ठीक है सर। लेकिन सर आपका अगर वैलिडिटी खत्म हो जाता है, आपका धीरे धीरे डिग्रेड होता है, उसका डिसकंटिन्यू हो जाता है आपका सर्विस है सर, हाँ तो ये अगर मेंशन वैलिडिटी तो नहीं होना रहता। चाहिए, मैं तो आपको बोल रही थी मेंशन तो होना चाहिए कहीं, तब ना कि हाँ जो कस्टमर उसको पता चलेगा कि हाँ मेरा सिम बंद हो सकता है, उसके लिए मैं इसको रिचार्ज करा कर रखूँ या फिर मैं उसे पोर्ट लेकिन करवा दूँ अभी नंबर सर को। आपका तो ये अगर डिसकंटिन्यू हो गया है सर, ये दोबारा से आप ट्रांसफर नहीं किया जाएगा सर, ये स्टोर में एक बार आप संपर्क कर सकते हैं अगर वो कोई आपकी सहायता कर पाए, लेकिन हमारे इस पे इसके रिलेटेड जानकारी नहीं है सर, ठीक है। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद सर जियो में कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो सर। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितना ज़्यादा गलत तरीका है, जब आपने हमसे अल्टरनेटिव नंबर लिया है तो आप उस पर हमें कॉल करो या फिर उस पर मैसेज करो कि हाँ आपका नंबर बंद होने वाला है। जब रिचार्ज ख़त्म होता है तब तो आप डेली दिन में 3 बार 4 बार हमें मैसेज करते हो कि हाँ आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, आप रिचार्ज करो, कॉल करते हो। लेकिन जब आप मेरे नंबर को बंद कर रहे हो तब आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, ऐसा उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी सुविधा ही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि अगर आपका नंबर किसी और के पास जाता है तो आपका जो बैंक से रिलेटेड अगर नंबर होगा तो उसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ऐसे तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप वहाँ से अपने नंबर को हटा सकते हो, लेकिन बहुत ही बड़ा दिक्कत होता है। मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ कितनी बड़ी दिक्कत हुई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत है। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो मिलेंगे फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू।